like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, cause I'm nervous. It's you. कैब बुक करी है जो आ रही है. ये मेरा लगेज और हैंडबैग शायद आ गई. एयरपोर्ट में एंट्री करते ही साथ आपको थर्मल स्क्रीनिंग करानी पड़ेंगी और वहाँ पे लाइन बाय लाइन सोशल डिस्टेंस मेंटेन्स करने के लिए वहाँ पे सर्कल्स भी बनाए हुए हैं और वहाँ पे सीट में वहाँ पे लिखा भी हुआ है कीप डिस्टेंस. और आपको सिक्योरिटी चेक के टाइम में अपना बोर्डिंग पास और एक आईडी प्रूफ दिखाना होगा. और बाकी एयरपोर्ट में बहुत लंबी लाइन होती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 घंटे पहले आए अपने डिपार्चर टाइम के. बैगेज मिलेगा. तो अभी मैं गुवाहाटी से आया हूँ तो 2 नंबर में मेरा गुवाहाटी का बैगेज आएगा
तो अभी मेरे को यहाँ वेट करना है। और स्टेटस भी देता है कि अभी तक आपका बेल्ट में गुवाहाटी का फ्लाइट का लगेज आया है कि नहीं, तो स्टेटस में भी देता है। तो अभी मेरा फिल नहीं आया है, तो इंतज़ार करो इंतज़ार करो। और लेके जाओ, 1 किलोमीटर चला के लाया, उसके बाद यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर खड़ा करके रखे। फाइनली मेरा बेल्ट आ गया और मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। आई मीन और एयरपोर्ट का मेरे को कुछ नहीं करना, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। फाइनली सब चेंज खत्म, सिक्योरिटी चेक हो गया, बैगेज का प्रॉब्लम खत्म। अभी मैं डायरेक्ट गेट में आ गया और यहाँ से डायरेक्ट मेरे को फ्लाइट का हो जाएगा। बट इससे पहले मैं अपने एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हो तो क्या होता है, बैगेज जो होता है जब वो स्कैन होता है तो उसके बाद ही वहाँ पर बैग का टैग लग जाता है। अब भी लगा सर लगा के घर से आ सकते हो जैसा कि वेबसाइट में लिखा था, बट मैंने नहीं लगाया था। बट यहाँ पर आके बैग का टैग लग जाता है, चेक इन बैग। फिर जब वो आप वहाँ पर ही पूछ सकते हो कि इसका मतलब कौन सा काउंटर में, आई मीन क्या बोलते हैं उसे, अपलोड कौन सा काउंटर में जाके जमा करना है, तो वो लोग ही बता देंगे। फिर वहाँ पर लाइन बाई लाइन 20-30 काउंटर होते हैं, एयर एशिया, गो एयर, इंडिगो वगैरह वगैरह, विस्तार, जितना भी एयरलाइंस है सबके, उसमें से उनका जो काउंटर होगा जिसमें आपने अपना टिकट बुक किया है, तो वो लोग बता देंगे आपको कि 18-20 नंबर काउंटर में जाओ, वहाँ जाओ। वहाँ पे जाकर लाइन में आपको फोटो आईडी, अपना बोर्डिंग पास और अपना चेकिंग बैगेज वहाँ पर देना है। फिर वहाँ पर ही वजन होगा और वहाँ से वजन वजन होके वो लोग ले जाएंगे। और फिर आपके पास जो हैंड बैग रहेगा वो लेके आपको सिक्योरिटी चेक में आना है। चेक में बेल्ट सेल्ट मोबाइल वगैरह सब हटा देते हैं, फिर चेक कर दे, फिर वो पहन लो, फिर एयरपोर्ट में आ जाओ, फिर मेरी तरफ वेट करो गेट में आने के लिए। गेट नंबर मेरे को मिल चुका है बट अभी तक गो एयर का मतलब स्टॉप आया ही नहीं, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट इसकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 10 बजे, तो कम से कम 9 बजे आई थिंक 8:30-9 बजे तक स्टॉप में आ जाना चाहिए, उसके बाद होगा जो होगा। अगर आप लोग मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी हो, आई मीन जो बजट को लेके चलते हैं, तो मेरी एक रिकमेंडेड है कि घर से पानी बोतल, चिप्स वगैरह जो मैं खा रहा हूँ वो सब मैं घर से ही लेके आया हूँ। और नाश्ता, लंच और या फिर डिनर, अगर आपका फ्लाइट सुबह, दिन या रात को है, तो ये सब घर से ही करके आ जाओ। यहाँ पे चार्ज बहुत ही ज़्यादा है, 750 ml वाटर का मेरे से चार्ज लिया 50 रुपये, और एक कॉफ़ी का दाम पूछा 180। तो मैं ऐसा समझ गया कि रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है, आई मीन एयरपोर्ट में खाने से अच्छा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँचूँ, वहाँ बाहर निकलूँ और यहाँ जाऊँ। मैं 200-300 रहने वाला तो वहाँ 100 रुपये मिला के इससे ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड खाना खा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दो, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।